डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे ग्राफ के अंदर दो शीर्षों के मध्य दूरी कितनी है। दूरी डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेज, दो वर्टिसेज के बीच की दूरी कितनी है। तो उनके मध्य लघुतम पथ, सबसे छोटा जो पथ है उसकी लंबाई उनके बीच की दूरी कहलाती है। ये दूरी संबद्ध ग्राफ में ही होती है, असंबद्ध ग्राफ में नहीं। आपके पास असंबद्ध ग्राफ में आपके पास दो संबद्ध घटक हैं, एक का शीर्ष, एक संबद्ध घटक का एक शीर्ष ले लें, दूसरे संबद्ध का दूसरा शीर्ष ले लें, उनके बीच की दूरी नहीं निकाल सकते। तो ये दूरी अपन बात करते हैं, तो संबद्ध ग्राफ की अपन बात करेंगे। तो संबद्ध ग्राफ, ग्राफ जी में किन्हीं दो शीर्षों यू तथा वी के मध्य, यू तथा वी के मध्य लघुतम पथ, मध्य लघुतम पथ यूवी की लंबाई या यूं कहें कि लघुतम पथ में कोरों की संख्या, पथ में कोरों की संख्या को U तथा V के मध्य दूरी कहते हैं तथा इसे डिस्टेंस बिटवीन यू वी द्वारा निरूपित करते हैं। संबद्ध ग्राफ है, इसमें शीर्ष U और V के मध्य एक से अधिक पथ होते हैं। अब सभी पथ में की लंबाई निकाली और उन सबसे कम लंबाई वाला पथ है वो उन दोनों शीर्षों के मध्य दूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें, एक एग्जाम्पल अपन लें कि निम्न ग्राफ में शीर्ष यू तथा वी के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे अपने पास ग्राफ है इस तरह से है, ये आपका ग्राफ है जिसके अंदर शीर्ष U और V के मध्य दूरी आपको निकलवाई है। बाकी शीर्ष हैं V1 है, ये V2 है, V3 है, ये शीर्ष V4 है, V5 है, V6 शीर्ष है, V7 शीर्ष है, V8 और V9 शीर्ष है। ये कोरे मान लीजिए E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, E5 कोर है, ये E6 है, ये आपकी E7 है, ये E8 है, ये E9 है, E10, E11, E12, E13 ये कोरे हैं, इसके अंदर 13 कोरे हैं। अब
इनके मध्य यू और वी के मध्य आपको दूरी ज्ञात करनी है। एक तरीका तो अपने लघुतम मार्ग समस्या अपने की थी, तरह कैसे कर लें, क्योंकि यहाँ वो काम था बाहरित ग्राफ के अंदर, यहाँ बाहरित ग्राफ नहीं है। तो अपन क्या करते हैं कि यू से वी के मध्य अपन जितने भी पथ हैं वो अपन देखते हैं। आप देख रहे हैं कि यू से वी के मध्य पथ आपका एक तो आपके पास है इस साइड से इधर से होता हुआ, इस तरह से यू से वी के मध्य पथ हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ये वाला पथ भी यू से वी के मध्य पथ हो सकता है, या फिर ये आपका यू से वी के मध्य एक पथ है। तो आप देख रहे हैं कि इस पथ के अंदर ये जो पथ है यू ई वन वी थ्री ई फाइव वी फोर ई एट वी, ये आपके पास है सबसे छोटा पथ है यू ई वन वी थ्री ई फाइव वी फोर ई एट और वी, ये आपके पास है सबसे छोटा पथ है। और इसके अंदर कितनी कोरें हैं, एक दो और तीन कोरें हैं, ये सबसे छोटा पथ है। इसके अलावा अन्य पथ भी आपके पास हो सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया था कि ये यू वी पथ आपका यू और वी के मध्य पथ है, जिसको नाम पी वन नाम दे दें, या शीर्ष यू तथा वी के मध्य पथ, जैसे पी वन है ये वी है, पी टू अपन लें दूसरा पथ लें यू ई टू वी वन ई थ्री वी टू ई फोर वी थ्री ई फाइव वी फोर ई एट वी एंड सो ऑन, कई आपके पास पथ आपके पास आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस पथ के अंदर जो पी वन पथ है उसमें सबसे कम कोरे हैं, लघुतम पथ है। तो ये जो पथ आपका है इसमें तीन कोरे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यू और वी के मध्य दूरी कितनी है, तीन है, क्योंकि इस पथ के लिए आपका लघुतम पथ है इस शीर्ष यू और वी के मध्य है। पी वन पी टू इस तरह से और भी पथ आपके पास हो सकता है, तो ये लघुतम, तो शीर्ष यू और वी के मध्य दूरी मीन्स उनके बीच की लघुतम पथ की लंबाई। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है शीर्ष की उत्केंद्रता। शीर्ष की उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स, किस तरह से डिफाइन है, ग्राफ जी बराबर वीई में किसी शीर्ष वी से अधिकतम दूरी पर स्थित शीर्ष वी आई की वी से दूरी को शीर्ष वी की उत्केंद्रता कहते हैं। अर्थात शीर्ष वी से ग्राफ जी के बाकी जितने भी शीर्ष हैं उनके बीच की दूरी निकालें, और जो दूरी सबसे ज़्यादा आती है वो आपके पास शीर्ष वी की उत्केंद्रता कहलाती है। इसे ई वी द्वारा निरूपित करते हैं
तो ई वी क्या कैसे तैसे डिफाइन होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल रहे हैं वी की अन्य शीर्षों से, वी आई वी का एलिमेंट्स है और उनमें सबसे ज़्यादा दूरी है वो मैक्सिमम दूरी शीर्ष वी की क्या कहलाती है, उत्केंद्रता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें कि निम्न ग्राफ में शीर्ष ए की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए, वैसे ये ग्राफ आपका है शीर्ष ए है, ये बी है, ये सी है, ये शीर्ष डी है, ये ई शीर्ष है, ये एफ शीर्ष है, ये जी शीर्ष है, ये एस शीर्ष है, ये आई शीर्ष है। अब शीर्ष ए की उत्केंद्रता आपको निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, इस ग्राफ के अंदर शीर्ष ए से बाकी जितने भी शीर्ष हैं उनके बीच की दूरी निकालेंगे, बी के बीच की दूरी निकालें, लघुतम पथ एक है, ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे, इसमें लघुतम पथ यही है दो है, ए से डी के बीच की दूरी निकालेंगे, ये लघुतम पथ आपका यही एक ये है एक है, ए से ई के बीच की दूरी निकालेंगे तो देख रहे हैं कि लघुतम पथ ये यही है एक है, ए से एफ के बीच की दूरी निकालेंगे आपको, अब देख रहे हैं कि लघुतम पथ आपका पास ये पथ है, इसकी लंबाई भी दो है, इस पथ की लंबाई ये जो पथ आप देख रहे हैं कि इस पथ की लंबाई भी आपकी दो है, तो आप देख रहे हैं कि ए से एफ के बीच की दूरी कितनी है दो है। ऐसे ही ए से जी के बीच की दूरी निकालेंगे वो आपकी तीन होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये आपका लघुतम पथ है, ये भी तीन ही है कोर, ये पथ भी आपका लघुतम है तीन ही है कोर, दूसरा पथ आप लेंगे एक दो तीन और चार पथ कोरे होंगे, ये पथ आप लेंगे एक दो तीन चार पाँच, तो लघुतम पथ की लंबाई आपके पास है वो तीन है, तो ए से जी के बीच की दूरी आपकी तीन है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि ए से एच के बीच की दूरी तीन है, ए से आई के बीच की दूरी वो कितनी है चार है, तो शीर्ष ए से सभी शीर्षों के बीच की दूरियां निकाले तो आप देख रहे हैं कि ये जो चार है वो सबसे ज्यादा है, तो डेफिनेशन के अनुसार अतः शीर्ष ए की जो उत्केंद्रता है ई ए वो क्या हो गई मैक्सिमम हो गई, किससे, ए से बी के बीच की दूरी, ए से सी के बीच की दूरी, ए से डी के बीच की दूरी, ए से एफ के बीच की दूरी, ए से जी के बीच की दूरी, ए से एच के बीच की दूरी, ए से आई के बीच की दूरी में मैक्सिमम, तो ये आपका मैक्सिमम ए से बी के बीच की दूरी एक, ए से सी के बीच की दो, ए से डी एक एक दो तीन तीन और चार, इनमें मैक्सिमम कौन सा चार, तो शीर्ष ए की जो उत्केंद्रता है वो कितनी है चार है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्राफ का केंद्र, न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष ग्राफ का केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ ए ग्राफ
तो ग्राफ जी में न्यूनतम उत्केंद्रता वाले सीड्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ग्राफ जी के केंद्र कहलाते हैं। ग्राफ जी के केंद्र कहलाते हैं। एक से ज्यादा आपके पास केंद्र हो सकते हैं ग्राफ के अंदर। मान लीजिए वृक्ष की अपन बात करेंगे, वृक्ष में दो या एक केंद्र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें कि ये आपका एक वृक्ष है, इसके अंदर चार सीड्स हैं, एक दो तीन और चार सीड्स हैं। तो इस आप देख रहे हैं कि उत्केंद्रता अपन निकालें इस वृक्ष के अंदर, सीड्स एक की उत्केंद्रता निकालें वो दो है, सीड्स दो की उत्केंद्रता दो है, तीन की उत्केंद्रता एक है, ऐसे आप देख रहे हैं कि चार है सीड्स, चार है उसकी उत्केंद्रता दो है। तो न्यूनतम उत्केंद्रता वाला सीड्स कौन सा है इसके अंदर? एक है। तो ई तो इस वृक्ष का आपके पास केंद्र कितना है? केंद्र कौन सा है? सीड्स तीन है। तो इस वृक्ष का जो केंद्र है वो सीड्स तीन है, वो इस वृक्ष का केंद्र है। दूसरा अपन एक एग्जांपल और देखें कि ये वृक्ष आपका है एक सीड्स, ये दो सीड्स, ये तीन सीड्स, ये चार, ये पांच और ये छह सीड्स है। इस वृक्ष में अपन देख रहे हैं कि सीड्स एक की उत्केंद्रता, अर्थात सीड्स एक से बाकी सभी सीड्सों के बीच की पत्त की लंबाई निकालें वो महत्तम हो सबसे ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं छः सीड्स एक से छः के बीच की दूरी ज़्यादा है, तो एक दो तीन चार, तो एक की उत्केंद्रता चार हो गई। ऐसे ही सीड्स दो के लिए देखें तो आपके पास महत्तम दूरी वाला सीड्स छः है, इसके बीच की दूरी तीन है। तीन से देखें, तीन से महत्तम दूरी वाला भी छः ही है, इसकी दूरी आपके पास है चार है। चार से देखें तो अपन देख रहे हैं कि एक छः के बीच की दूरी दो है, तीन की दूरी दो है, चार से एक के बीच की दूरी दो है। तो सिर्फ दो की चार की उत्केंद्रता कितनी है? दो ही होगी, महत्तम पथ की लंबाई दो है। ऐसे ही आप सिर्फ पाँच के लिए देखें, सिर्फ पाँच से आप देख रहे हैं कि पाँच से सिर्फ एक या तीन की दूरी है वो चार तीन है, महत्तम दूरी पर वाले सीड्स हैं, तो उत्केंद्रता आपकी कितनी होगी? तीन। ऐसे सीड्स छः की उत्केंद्रता देखें तो छः से महत्तम दूरी वाला सीड्स एक भी है और तीन भी है, दूरी कितनी? एक दो तीन चार है, तो इसकी उत्केंद्रता कितनी है? चार है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मिनिमम उत्केंद्रता वाला सीड्स कौन सा है? चार है। तो इसका आपका केंद्र है इस ग्राफ का वो कितना है? सीड्स चार है, वो इस वृक्ष का केंद्र है। ये आपका इसका केंद्र है। ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल लें कि ये वृक्ष अपन ने ले लिया, इसके अंदर सीड्स एक दो तीन चार पांच और छह सीड्स हैं। आप देख रहे हैं कि सीड्स एक की उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी? एक दो तीन, अधिकतम दूरी वाले सीड्स हैं एक से, पाँच और छः हैं, दूरी तीन है। ऐसे दो की उत्केंद्रता तीन, सीड्स तीन की उत्केंद्रता दो, चार की उत्केंद्रता भी दो है, पाँच की उत्केंद्रता आपके पास है तीन है, और छः की उत्केंद्रता कितनी है? तीन है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर न्यूनतम उत्केंद्रता वाले सीड्स तीन और चार हैं। तो इस ग्राफ के जो इस ग्राफ के आपके पास केंद्र हैं तीन तथा चार हैं। तो ये आपका ग्राफ यदि जी है
तो ग्राफ जी के केंद्र, केंद्र कौन कौन से हो गए, शीर्ष 3 तथा 4 है। तो अब देखने किस वृक्ष, ये जो वृक्ष था इसके केंद्र 2 आ गए, 3 और 4। ये भी आपका वृक्ष था, इसका केंद्र 1 ही था। ये भी एक वृक्ष था, इसका केंद्र भी 1 था। तो अपन आगे देखेंगे कि वृक्ष के आपके पास है केंद्र या तो 1 होता है या फिर 2 होता है। तो अपन आज देखा कि ग्राफ में किन्हीं 2 शीर्षों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, शीर्ष की उत्केंद्रता क्या होती है और ग्राफ का केंद्र क्या होता है। आगे नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।